जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगा भाजपा प्रत्याशी के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही गई बात। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सहित कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा पत्रकार वार्ता मंगलवार को आयोजित की गई, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें साफ साफ बता दें कि उन्हें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कांग्रेस करने नहीं देगी और ऐसा कुछ भी हुआ तो सबसे पहले अनुभा मुजारे खड़ी होगी। स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने और आधे घंटे तक लाइट गोल होने से यह मामला और गर्मा गया। बता दें कि इसके पूर्व सोमवार को तहसील कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में बेल्ट पेपर को रखा जा रहा था, जिसको समय से पूर्व ही खोलने का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर SDM गोपाल सोनी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कहकर इसको नकार दिया गया था। वहीं इस मामले में तहसीलदार को भी निलंबित कर दिया गया है। मानो कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की हो, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने आपत्ति लगाई है और मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निर्वाचन के पद से हटाए जाने और बालाघाट से स्थानांतरित करने की मांग की गई है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। अगर उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और गलत तरीका उन्होंने अपनाया, वो नौकरी तो उनकी जाएगी जाएगी, लेकिन मेरी अगर जान जाएगी तो उसकी जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्योंकि अन्याय ना हम करते ना हम अन्याय सहन करते, और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि अन्याय करना अगर पाप है तो सहना उससे भी बड़ा पाप है। और यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी और एक एजेंट के रूप में इस तरह से काम करेंगे, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, जिंदा है? आज जनता ने कितने मनोयोग से वोट दिया है, और वो तो मतगणना के दिन खुलेगी, जिसके भाग्य विजय श्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो तो उस दिन खुलने वाली बात है। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊं, मैं पिछले 32 सालों से सक्रिय राजनीति में काम कर रही हूं, आप सभी जानते हैं, विभिन्न पदों पर रही हूं, कई चुनाव मैंने लड़े हैं, बहुत सारे चुनाव में हारी हूं और कुछ चुनाव में जीती भी हूं। तो इतनी बधाइयाँ, इतनी शुभकामनाएं पूरे भारत वर्ष से, मैं बता रही हूँ दिल्ली मुंबई तक से, यानी बधाइयाँ जो मेरे मिल रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने बहुत मनोयोग से वोट दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के पक्ष में जनता ने जब इतनी भारी तादाद में वोट दिया तो जीत सुनिश्चित है, और जीत से ही भारतीय जनता पार्टी, खासकर गौरी शंकर बिसेन जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और घबराहट में वो इस तरह की कृत्य करवा रहे हैं। और खास बात मैं बताना चाहूँगी कि कल जो डाक मत पत्रों के जो लिफाफे जो बना रहे थे वहाँ कर्मचारी, वहाँ मुझे तो पता नहीं था, मैं व्यक्तिगत किसी अधिकारी कर्मचारी की जिंदगी में ना झांकती ना मुझे कोई मतलब होता, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि वहाँ 3 लोग ऐसे थे जो गौरी शंकर बिसेन जी के खास थे, उसमें 2 बिसेन सरनेम से ही थे, कौन कौन थे? एक KG बिसेन है, वो रिटायर्ड पर्सन है वो, और एक शरद बिसेन तो उनके सगे भतीजे हैं, और मुरझड़ फार्म में कहीं पे वो शायद असिस्टेंट मुरझड़ फार्म जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो ये क्या कर रहे हैं उनके सगे भतीजे वहाँ पे? और एक कोई अधिकारी क्या सर ने उनका चंदेला के बारे में आप चाहें तो पूरे बालाघाट के से लेके लालबर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरी शंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास, मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाए तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहाँ क्या कर रहे थे, गौरी शंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूँगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें, हम ये भी जवाब चाहेंगे कि हमें लिखित में जवाब दें कि हमारा तो कोई निजी वहाँ नहीं व्यक्ति है, ना हमने आज तक कभी अपने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाने की वहाँ सिफारिश की, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ना उनके पक्ष में ना हमारे पक्ष में, न किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में, जो जनता जनार्दन चाहती वैसा होना चाहिए, तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। अभी उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ अपनी सुनाई, वहाँ बैठे हुए लोगों की ज़्यादा कुछ सुने नहीं उन्होंने। डाक मत पत्रों में आपने भी देखा होगा इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ जो इस बार सुनने में आई हैं, ऐसे कभी नहीं आई। मैं तो 32 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैंने 8वां विधानसभा का चुनाव में लड़ रही हूँ इस बार, और तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो अपने ही कर्मचारियों को आप मतदान से वंचित कर रहे हो और अपनी सफाई दे रहे हो, और आप ऊपर से बोल रहे हो कि कर्मचारी कहीं गलत हो सकते हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी, जिलाधीश जिनको बोलते हैं, जिला कलेक्टर,
वो ये कि अपने ही शासकीय कर्मचारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, मतलब सरकारी तंत्र ही गलत है। तो जब सरकारी तंत्र गलत है तो आप वहाँ से सही हो गए थे, उनसे ज्यादा तो आप दोषी हो क्योंकि आप मुखिया हो, प्रमुख तो आप हो ना। तो इस तरीके से जो हो रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं इस बार सत्ता विरोधी लहर है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छा राज्य नहीं रहा या सही राजकाज नहीं रहा उससे जनता त्रस्त है, और सत्ता विरोधी लहर में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। सरकार बदलने के मूड में जनता स्पष्ट रूप से माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के मूड में है प्रदेश की जनता। इससे घबराहट के कारण, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों के मतदान से स्पष्ट समझ में आ रहा था मन उनका कि वो सरकार विरोधी मतदान ही करेंगे, इसलिए डाक मत पत्रों से इनको बहुत दूर रखा गया और दुनिया भर के बहानेबाजी आज तक उस चीज उस प्रक्रिया में सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जबकि मैंने तो कई बार पुरजोर आवाज उठाई आप मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और हमने अभी भोपाल भी हम उस दिन परसों और ट्रेनिंग में हम जब गए थे हमारे कांग्रेस कार्यालय भी अपने बयान में मैं पाया हूँ कि जो बालाघाट जिले में जो चुनाव हुए हैं और बालाघाट खासकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ हम शुरू से देख रहे हैं, हम शुरू से सभी लोग जान रहे हैं कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री गौरी शंकर बिसेन जी, उनके वो बिल्कुल करीबी हैं, बहुत खास हैं। और चलिए सरकारी नौकरी के चलते शासकीय सेवक होने के नाते वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गौरी शंकर बिसेन जी के हर निजी कार्यक्रम में, उनके निजी निवास में भी जिला कलेक्टर का हमेशा देखा जाना, ये अपने आप में संदेह को जन्म देता है। और जब आदर्श आचरण संहिता लग गई उसके बाद तो फिर कलेक्टर को बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता जिला निर्वाचन अधिकारी को, तो वे प्रत्याशी विशेष के निजी निवास में वो नजर आए। और ऐसे कई मौके आए हैं जब वो वहाँ पे नजर आए हैं डॉक्टर मिश्रा जी, और मैं लगातार ये देख रही हूँ कि वो अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से ये साबित कर रहे हैं कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि अब वो कल का ही वाकया देखें कि कल जो हुआ है डाक मत पत्रों की जो लिफाफों की जो गिनती हो रही थी, और बगैर मुझे जानकारी दिए, बगैर हमारे अभिकर्ता श्याम पंजवानी जी को जानकारी दिए बगैर, और जिनको बुलाया गया था वो तो कहीं से जिम्मेदारी है ही नहीं उनके ऊपर इस तरह की, वो हमारे कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं पार्टी का या चुनाव प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं निराला सिंह बघेले। अब वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निराला को बुला लिया, निराला जी को हमने बुला लिया गया था। मैं तो अच्छा हुआ कि मैं शहर में थी तो मुझे सूचना मिली और मैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गई, और मैंने जहाँ वहाँ SDM जो थे सोनी जी वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपना पक्ष रखा। हमने सोचा ठीक है हो सकता है होता होगा ऐसा, लेकिन जब हम वापस लौट के आए, जब हमने अपने प्रदेश कार्यालय से जानकारी लेना चाहिए और जो हमारे विधिक सलाहकार हैं सम्मानीय शशांक शेखर जी, उन्होंने बताया भोपाल से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो रहा है, आप लोग बिल्कुल इसमें शांत नहीं रहिए, आप आवाज़ उठाइए और हमें एक शिकायत पत्र भेजिए राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से, और इसमें जितना आप मुखर होकर विरोध कर सकें उतना मुखर होकर आप विरोध करें, क्योंकि इस तरीके से हो ही नहीं सकता। सत्ता इस तारीख को कैसे वो स्ट्रांग रूम खोल सकते हैं और ये लिफाफों की गिनती कर सकते हैं। तो तब हम लोग फिर हमने सख्ती से फिर हम लोग पेश आए, हम शांत नहीं बैठे थे, हम लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए थे, पर हम बिना वजह प्रशासन से टकराना भी उचित नहीं समझ रहे थे। मैं खुद शुरू से कह रही हूँ पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन से कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जिस तरह संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चले और मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े और हम कानून को हाथ में लें। हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम जिम्मेदारियों का निर्वाह भलीभांति करना जानते, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूँगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो, ऐसा भी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि अनुभव मुंजारे अब जान की बाजी लगाने को तैयार है, चाहे तो आप इसको हेडलाइन बना लीजिए, अगर मैं सबसे पहली गोली अगर चलेगी तो अनुभव मुंजारे के ऊपर चलेगी, ये प्रशासन समझ ले इस चीज़ को। क्योंकि 2013 में 312 मतों से 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके, और उस समय के जो निर्वाचन अधिकारी कोई श्री राम डाले जी थे जो SDM तत्कालीन SDM थे बालाघाट में पदस्थ थे, उन्होंने हमें ये कहा गया था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, आप चाहें तो पंडाल में जाकर बैठ जाएं आप लोग,
प्रमाण पत्र आप लोगों को वहीं वितरित किया जाएगा। और उसके बाद हम 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र मिलने लग गए थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि कम से कम 10 पुलिस वालों के साथ श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि बंगले में जाके बैठ चुके थे, वो आए और उनको सीधे सीधे वहाँ मंच पे बुला के प्रमाण पत्र सौंपा गया था। वो मंजर मैंने भोगा है, झेला है, और हमारे जो 70,000 मतदाता थे उनने भी इस पीड़ा को झेला है। आज पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ कल की घटना को लेके, वो तो मैं सबको समझा के रख रही हूँ, नहीं तो अभी शहर में कदम रखने की जगह नहीं रहती। पूरे जिले के लोग आने को तैयार हैं कि अगर इस बार ऐसा होता है तो ऐसा कैसे हुआ। मैंने सबको समझाया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत। मैं किसी का कभी बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए ना बुरा चाहती, लेकिन अगर निर्वाचन प्रक्रिया में जो शासकीय कर्मचारियों ने और जो संबंधित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने जो अगर गलत काम किया, गलत तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उनकी सूची तो बराबर हम बना के देंगे और वो सूची जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो होना तय होगी। मान के सूची में कलेक्टर साहब का भी नाम होगा? बिल्कुल होगा, पहले नंबर पे होगा, क्योंकि आज जो लाइट बॉल हुई, आज लाइट बॉल हुई, कल आप बताइए डाक इतने सारे लिफाफे आप खोल के खुले आप बैठे वहाँ पे पंडल से नहीं जाए। समय से पहले हमारा भी निराला सिंह बघेले जो पहुँचा तो बता रहा था कि 1.5 घंटे हो चुके थे उस प्रक्रिया को शुरू। और दूसरा जो है उनका अभ्यर्थी, जो यदि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है या हमारी प्रत्याशी को सूचित किया जाता तो हम मानते हैं। कांग्रेस के द्वारा ही उनको अथोराइज्ड किया गया था ना, निराला जो है वहाँ पे निराला बघेल को, नहीं हमारी कांग्रेस की तरफ से तो शरद तिवारी जी को अधिकृत किया गया। उस विषय पर कैसा था वो तो रोज आ रहा था उनसे हमने बातचीत की है। या तो जो नियम है आज तक का जो हमको लेटर आते थे वो SDM कार्यालय से या निर्वाचन आयोग से आता था, मेरे को आता था, अधिकतम तो नहीं हुआ था, अभी को आता था। तो अभी तक जो लेटर आते थे 15 तारीख का जो लेटर इशू हुआ वो केवल जो डाक मत पत्र पर डे आ रहे थे उसको रिजर्व स्टॉक करके उनको लॉक करना था, तो उसमें हमारे एजेंटिक निराला जी जा रहे थे। तो वैसे डेली का जो समय था वो 3 बजे का था, लेकिन निराला जी 3 बजे का डेली का समय था, डायरेक्ट जा रहे थे, जो 5-7 डाक मत आते डेली पैक करके उसको स्टॉक उन्होंने करके आ रहे थे। कल की जो घटना घटी उस दिन वाली परसों वाली उसमें कल वाली तो उसमें ऐसा था कि 12:54 पे निराला को फोन आती है कि साहब आप आइए और यहाँ पर डाक मतलब आए खोलना है, वो गए डेली रूटीन में। लेकिन वहाँ पर जब जाना हुआ तो वहाँ पर प्रोसेस कुछ दूसरी, 1:29 पर उनको बताया गया कि हम लोग यहाँ पर शटिंग कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अगर शटिंग वाली चीज़ है तो या तो अधिकर्ता या तो प्रत्याशी, ये उनकी जवाबदारी थी। जब वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती थी, हमारे समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो मैं नहीं जा पाया उसमें, तो भाभी को वहाँ के जो अधिकारी SDM साहब लड़के श्याम पंजानी को हमने दे चुके हैं, जबकि ऐसा कोई हमको लेटर नहीं हुआ और हमने तुरंत SDM साहब को बताया साहब ऐसा कोई लेटर हम तक इशू नहीं हुआ। तो निराला जो केवल एक प्रोसेस में जा रहा था कि डाक मतपत्र को उठाना है और उसको स्टॉक रूम में लॉक करके सील करके बाहर आना है, लेकिन जब ये प्रक्रिया हुई तो उस प्रक्रिया की ना हमको जानकारी ना प्रत्याशी को जानकारी, तो उसमें निराला का कोई बात ही नहीं है। भाई आप किसी हमारे किसी आदमी को बुला कर आप कुछ भी कर लोगे और बताओगे आप हमारा आदमी था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं चीज़ों को लेकर। दूरभाष में आपको जानकारी नहीं, कोई जानकारी आपके शहर अध्यक्ष का भी तो बयान आया ना कल की, वो तो वहाँ पर थे ऐसा कुछ। शंकर भाई का जो बयान है, शंकर भाई ने केवल इतना कहा कि हमारे सामने जो स्ट्रॉन्ग रूम को खोलना और बंद करना ये हमारा आदमी वहाँ पर था, लेकिन जो 50+ का बंडल था वो कहीं कोई नीतिगत तो ही नहीं, ना ही कोई ऐसा नियम था। उन्होंने कहा कि 230 विधानसभा के अंदर केवल बालाघाट ऐसी विधानसभा कैसी होगी जहाँ पर आपको शेडिंग करनी थी, बालाघाट में 6 विधानसभा 5 और एक्स्ट्रा थे उसमें नहीं की गई। उनने वो बयान दिया, उन्होंने कहीं संतुष्ट बात नहीं की, उन्होंने संतुष्टि की बात करी कि जो स्ट्रॉन्ग को खुला और जो बंद हुआ वो हमारे आदमी के सामने हुआ, लेकिन 50 की जो सेटिंग हुई वो हमको नहीं मालूम, ना ही हम उसको संतुष्ट। 6 विधानसभा की हो रही थी वहाँ, कहीं नहीं हो रही थी, पूरे 6 विधानसभा की हो रही थी, नहीं ये कहना है मेरा। नहीं नहीं मेरा कहना 6 की नहीं हो रही थी, हमको कोई जानकारी नहीं, जानकारी हो तो पता पड़े। और वैसे AR O जो है हर विधानसभा वाइज में अपने अपने स्थान पर स्ट्रॉन्ग रूम खोले हैं, जो एक खोले हैं, तो बालाघाट विशेष तौर पर क्यों इस तरीके से विशेष तौर से उसको ध्यान दिया जा रहा है? क्यों लग गया आप लोगों की तरफ से बयान आने में, पूरे प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए उपाध्यक्ष दी गई, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी के बगैर एक पेटी भी नहीं हिलाई जाती। अब आप खुद ही सोच लो कि कितनी बड़ी लापरवाही की, यदि जिला निर्वाचन अधिकारी खुद ही बोल रहा है मुझे जानकारी दी गई तो सारा काम कर कौन रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है? आप खुद ही इस चीज को अगर समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग वही है जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने की है, वही हमारी मांग है कि जिला कलेक्टर का स्थानांतरण यहाँ से किया जाए, उनको चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाए,
जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। सिर्फ एक तहसीलदार को हटा देने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि जो भी, जैसे आज लाइट गुल हुई तो उसके पीछे जो भी दोषी अधिकारी है वो अपनी जवाबदारी ले, उसको तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि आज ये घटना ही हो सकता है मतगणना के दिन भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो ये तो संज्ञान में लेने वाली बात है, बड़ी बात है। और इसको हम जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनको भी हम ज्ञापन के माध्यम से एक सारी चीज़ सौंपे।